हाउ टू क्रिएट 3D सोशल मीडिया इमेजेस। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जरूर से इस तरह के सोशल मीडिया वाला 3D इमेज ट्रेंड कर रहा होगा, जिसमें कि एक 3D इमेज होता है जो सोशल मीडिया आइकन पे बैठा होता है, उसके पीछे में आपके सोशल मीडिया का जो नाम होता है वो भी लिखा होता है। तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप ये बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने लिए 3D सोशल मीडिया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे बिंग आपको सीधे सर्च करना है। देखिए आपको इस प्रकार से बिंग लिखना है और बिंग को आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज क्रिएटर के नाम से, तो आपको यहाँ पे इमेज क्रिएटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए इमेज क्रिएट लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इमेज क्रिएटर पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट आर्ट फ्रॉम वर्ड विथ AI का ऑप्शन आ जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन पे क्लिक करना है। अब ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको नया अकाउंट, अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो क्रिएट वन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली क्रिएट वन पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास इस टाइप का विंडो खुल के आएगा जहां पे आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा, ईमेल आईडी जिसको बोलते हैं, तो आपको यहां पे डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिया हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा और यहाँ पे लास्ट नेम आपको डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट नाम डाल देता हूँ। मैंने नाम डाल दिया है, फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हैं, आप कौन से कंट्री से। तो मेरे फोन में इंडिया सिलेक्ट आया हुआ है और मैं इंडिया से ही हूँ, तो मैं इंडिया रहने दूंगा। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है दूसरा कंट्री ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करके, और आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो बर्थडे है आपका, जो भी डेट ऑफ बर्थ वो डालना है और यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब जो है आपके ईमेल पे जो आपने ईमेल आईडी डाला है, उस ईमेल आईडी पे आपको एक कोड मिला होगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है इंटर कोड पे और यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट उस कोड को फाइंड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने जीमेल पे। जीमेल पे जाने के बाद में तो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से एक मुझे कोड आ गया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई है। तो यहाँ पे इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, आपको भी कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इंटर कोड पे। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो इस स्टेप से ये रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद में आपका जो है अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टेप से ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे एक जो है पजल आपको सॉल्व करना होगा, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन डायरेक्शन ऑफ द हैंड। तो इसमें जो है इस एरो पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि कौन सा हैंड के एरो की तरह है। तो इसमें इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहां पे हेल्प जरूर से कर दूंगा। तो अब जो है ये पूरा का पूरा क्रिएट हो गया है अकाउंट। आप यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट डालेंगे, जो भी प्रॉम्प्ट डालेंगे, तो उस हिसाब से आपका इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली ये जो बॉक्स आपको देखने को जो मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको टाइप करना है, प्रॉम्प्ट डालना है और जिस टाइप से आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उस हिसाब से आपका सोशल मीडिया का इमेज 3D में बन जाएगा। चाहे आप इंस्टाग्राम के लिए बनाए, चाहे व्हाट्सएप के लिए बनाए, चाहे आप यहाँ पे लिंक्डइन के लिए बनाए, ठीक है। तो आपको प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया है ना, उसको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको 2-3 चीज जो है आपको चेंजेस करना होगा, जो हमको मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, तो अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको लिखना है। अगर आप व्हाट्सएप के लिए बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको हटाना है और यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट्सएप। चलिए मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैंने लिख दिया। व्हाट्सएप लिखने के बाद में यहाँ पे जो है आपको नाम अपना डालना होगा। तो नाम डालने के लिए यहाँ पे जो SP ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है जो आपके 3D इमेज में लिखा हुआ आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ संजय ट्री। तो यहाँ पे मैंने संजय ट्री लिख दिया है और सिंपली यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद में, अपना नाम डालने के बाद में, आपको कौन से सोशल मीडिया के लिए बनाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी बनाना है आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में आपके सामने जो है इमेज तैयार होकर आ जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, अभी जो यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो बन के आ गया है। ये व्हाट्सएप के लिए बना है, इस पर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हो और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बन गया है और पीछे संजय ट्रिक लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक जो है 3D में यहाँ पे ह्यूमन भी बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा। अब तो ये व्हाट्सएप के लिए हो गया। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए 3D डॉट पे क्लिक करके, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको इंस्टाग्राम के लिए कैसे बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को हटा करके, यहाँ पे चलिए व्हाट्सएप को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। सिंपली यूट्यूब आपको लिखना है और यूट्यूब लिखने के बाद में मेरा
नाम वही संजय ट्री का आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे फिर से ये जो यूट्यूब के लिए 3D इमेज है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 3D इमेज बन गया है, ये यूट्यूब के लिए बना हुआ है, बहुत ही गजब लग रहा है। और इस तरह से 3D इमेज बनाने के बाद में सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको जहाँ भी सोशल मीडिया पे लगाना है, चाहे DP में लगाए, किसी को सेंड करना है, आप स्टेटस में लगाना चाहते हैं, आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए YouTube में लिखा हूँ तो YouTube के लिए बन के आया है, यहाँ पे अगर आप WhatsApp लिखेंगे तो WhatsApp के लिए बन के आएगा, और यहीं पे अगर आप LinkedIn लिखेंगे तो LinkedIn के लिए बन के आएगा। मतलब जो आप सोशल मीडिया के लिए बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं इस पे क्रिएट करके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आता है, कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा।